आमेरिका विलमिंगटन रे आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन सामिल हेले पीएम मोदी। एही सम्मेलन रे आमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री अल्बानी एवं जापान प्रधानमंत्री किशिदा उपस्थित रहिछन्ति। ए बैठक रे स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन उपरे गुरुत्वारोप करा जायतला। जातिसंघर सुरक्षा परिषद रे संस्कार आणिबाकु चार देश सहमति प्रकाश करिछन्ति। उभय स्थायी एवं अस्थायी सदस्यक संख्या वृद्धि सहित सुरक्षा परिषद को अधिक दक्ष शक्तिशाली कराजबाकु निष्पत्ति होईछि। या सहित सुरक्षा परिषद को अधिक दक्ष एवं शक्तिशाली करबा नै बैठक रे आलोचना होईछि। सेपरि सांप्रतिक समस्या सहित चार देशर मध्यरे सहयोग प्रसंग रे आलोचना होईछि। भारत प्रशांत महासागर रे शांति, प्रगति एवं समृद्धता पई कार्य करथुबा समान देश गुडीकर एक अग्रणी गोष्ठी भाबरे एही फोरम उभा होईछि। राष्ट्रपति बाइडेन के सहित मोर साक्षात आम लोक तथा विश्वर कल्याण पई भारत आमेरिकार विस्तृत ग्लोबल स्ट्राटेजिक भागीदारी को आहरी गभीर करने नूतन पथ समीक्षा और चिह्नट करने को अनुमति देव बोली अवसर पीएम मोदी कहते। पूर्व अपेक्षा भारत सहित आमेरिकार संपर्क अधिक शक्तिशाली, निकटतर एवं गतिशील होतीहास जेकोसी समय अपेक्षा वर्तमान स्थित संपर्क अति निविड़ बोली आमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।